हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दयामा स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, मेरा डेली का जीके का डोज चल रहा था, जिसे मैं रोज 8 बजे आप लोग के लिए मॉर्निंग के वीडियो लाता हूं। और ये वीडियो फ्रेंड्स आप लोग के लिए रेगुलर आता है, तो आप लोग को रेगुलर आना है मॉर्निंग के 8 बजे और टॉप 10 जीके को कवर करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग रात वाला वीडियो नहीं देखते हैं तो 8 बजे हम कल से लाइव आ रहे हैं। यानी कल एक वीडियो, मेरा फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे, लाइव आए थे। और अगर आप लोग जो नहीं आते हैं 8 बजे रात को लाइव आया कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम लाइव इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। और कल कुछ इशू हो गया था, तो आप हमको बता सकते हैं कि लाइव में क्या क्या इशू हो रहा था, तो आज हम ठीक कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग जरूर बताएगा कि लाइव जो हम लाइव क्लास आए थे उसमें क्या क्या इशू हो रहा था। चलिए फिर ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण असम में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण असम में स्थित है? मानस, काजीरंगा, ओरंग या फिर इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। मतलब असम में तीनों अभ्यारण स्थित है, मानस अभ्यारण असम में स्थित है, काजीरंगा असम में स्थित है और ओरंग भी आपका असम में ही स्थित है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप लोग से सामने है, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अलकनंदा, यमुना, सतलज या फिर झेलम। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, यमुना नदी के किनारे आगरा बसा हुआ है। यमुना नदी के किनारे और दो शहर बसा हुआ है फ्रेंड्स, कौन कौन शहर बसा हुआ है? एक दिल्ली है, मथुरा है और इलाहाबाद है। इलाहाबाद, दिल्ली, मथुरा और आगरा तीनों कहाँ, चारों कहाँ बसा हुआ है फ्रेंड्स? चारों शहर आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, आप लोग जानिए। और सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो सतलज नदी के किनारे फिरोजपुर शहर सतलज नदी के किनारे स्थित है। एंड झेलम नदी के किनारे, तो झेलम नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत दर वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत दर वाला राज्य कौन है? केरल, मिजोरम, गोवा या त्रिपुरा। इसका राइट आंसर आई होप कि आप लोग फाइंड आउट कर लिए होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले लोग रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, केरल में कितने प्रतिशत साक्षरता है? तो 94%, केरल में 94% है। और मिजोरम में आपका 91.3% 91.3% मिजोरम में है। और गोवा में कितना है फ्रेंड्स? गोवा में आपका साक्षरता प्रतिशत दर 88.7%, गोवा में आपका 88.7% है। और त्रिपुरा में कितना है फ्रेंड्स? त्रिपुरा में आपका है 87.2% साक्षरता प्रतिशत दर है। ओके, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या करा है। नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया है, कांडला बंदरगाह कौन से राज्य में है? कांडला बंदरगाह कौन से राज्य में है? अंडमान, तमिलनाडु, गुजरात या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में कौन सा बंदरगाह है? तो तमिलनाडु में तूतीकोरिन और एन्नौर, कौन कौन है? तूतीकोरिन और एन्नौर बंदरगाह कहाँ है फ्रेंड्स? तूतीकोरिन और एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में। और अंडमान में कौन सा बंदरगाह है फ्रेंड्स? तो अंडमान में पोर्ट वलेयर नाम का एक बंदरगाह है जो अंडमान में स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर, एपिकल्चर, पिसिकल्चर या फ्लोरिकल्चर। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सेरिकल्चर। एपिकल्चर किसे कहा जाता है? तो एपिकल्चर मधुमक्खी के पालन को कहा जाता है। पिसिकल्चर किसे कहा जाता है? मत्स्य पालन को पिसिकल्चर कहा जाता है। एंड फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं? तो फूल उत्पादन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? फ्लोरिकल्चर कहते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, बहरीन की राजधानी तथा मुद्रा का नाम क्या है? बहरीन की राजधानी तथा मुद्रा का नाम क्या है? मनामा और दिनार, उलान बटोर और तुगरिक, माले और रुपया, बेरूत और पाउंड। किसका, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मनामा बहरीन की राजधानी हुआ और दिनार बहरीन की मुद्रा हुई। और उलान बटोर और तुगरिक किसकी राजधानी और किसकी मुद्रा है फ्रेंड्स? तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है और मुद्रा वहां की तुगरिक है। माले, तो मालदीव की राजधानी माले है और वहां की मुद्रा रुपया है। और बेरूत और पाउंड किसकी राजधानी और मुद्रा है? तो बेरूत और पाउंड फ्रेंड्स, बेरूत की राजधानी बेरूत है और पाउंड इसका मुद्रा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है फ्रेंड्स।
फतेहपुर सिकरी कौन से राज्य में है? फतेहपुर सिकरी कौन से राज्य में है? तो फतेहपुर सिकरी कौन से राज्य में है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सिकरी स्थित है। और मध्य प्रदेश में क्या क्या है फ्रेंड्स? तो मध्य प्रदेश में खुजराहो का मंदिर और सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र में क्या है? तो एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है फ्रेंड्स? तो एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। और तमिलनाडु में तो चोल का मंदिर, क्या चोल का मंदिर कहाँ स्थित है? चोल का मंदिर महाराष्ट्र तमिलनाडु में स्थित है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है? किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 24 दिसंबर, 23 दिसंबर, 19 दिसंबर या 14 दिसंबर? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 24, 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के शुभ अवसर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को। और 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और 14 दिसंबर को? तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? रैमन मैक्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? रैमन मैक्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रैमन मैक्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और फिल्म के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में? तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और साहित्य, साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, आप लोग याद करिएगा। चलिए फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल ऑटोमेटिक नेटवर्क, लोकल अर्थमैटिक नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल अराउंड नेटवर्क। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकल एरिया नेटवर्क। आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएगा फ्रेंड्स कि आप लोग को नाइट वाला वीडियो कैसा लगा था, जिसमें हम लाइव आए थे और उसमें आप लोग को क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है। तो आप लोग को जो जो प्रॉब्लम कल हुआ है फ्रेंड्स, आज हो अगर आप लोग बताइएगा तो आई होप कि आप लोग वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा और वो सारे प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लोग बताइएगा तब ना हम ठीक करेंगे। ऐसे हमको पता कैसे लगेगा कि आप लोग को कौन कौन सा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा कल के वीडियो में? तो आप लोग जरूर बताएगा कि कमेंट बॉक्स में आप लोग को ये बताना कि कल के वीडियो में कौन कौन सा प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ा और इस वीडियो का आप लोग का कितना स्कोर है, 10 10 GK में आप लोग का कितना स्कोर हुआ है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और जो लोग अभी रात वाले लाइव में वीडियो नहीं आते हैं, लाइव वीडियो में आप लोग नहीं आते हैं, 8 ये लाइव वीडियो फ्रेंड्स 8 बजे रात को आता है, 8 बजे रात को लाइव वीडियो आता है, और जो जो नहीं आते हैं आज से जरूर आइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।